अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म सेल बायोलॉजी के टॉपिक साइटोप्लाज्म प्लाज का डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज साइटोप्लाज्म द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लू पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन्स नाइनटी परसेंट ऑफ वाटर सी दिस सेल इट इज अ प्लान्ट सेल एंड आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वाल सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड प्लाज्मा मिम्रेन या सेल मिब्रेन इसके अंदर जो ग्रीन कलर का आपको मेटीरियल या फ्लूड नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं साइडो प्लाज्म कहते हैं इट कंटेन्स डिफरेंट ऑर्गेनालीज एंड न्यूक्लियस फॉर डिफरेंट पर्पज अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये यूक्रियाटिक सेल्स होते हैं तो एनिमल सेल के जो होते हैं ना किससे बिल्कुल आउटरमोस्ट बाउंड्री जो होते हैं उसके उसको हम सेल मिमब्रेन या प्लाज्मा प्लाज्माब्रेन कहते हैं एंड इट कंटेन न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंटेन विरासती माता यानी कि हेरिटिटी मेटेरियल जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया पह जाता पहले कि साइडोप्लाज्म के अंदर डिफेंट ऑर्गेलीज पै जाती अच्छा अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस uh, नहीं होता उनके अंदर जो डीएनए एन ए होता है यानी कि हेरिटिटी में uh, होती है वो क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करता रहता है नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या है प्रोटोप्लाज्म uh, होता है जो लिविंग कंटेंट ऑफ यूक्रियाटिक सेल होते हैं डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सो कलेक्टिवली इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्मीशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं सोलिबल एंड इनसोलीबल पार्ट अगर साइटोसोल को देखें तो साइटोसोल क्या होता है सोलेबल पार्ट uh, होता है साइटोप्लाज्म साटोपलाज uh, और ये क्या होता है लिक्विड पोर्शन होता है सेल का और कंटेंस करते हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर को एंड ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो सोलेबल पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्टोप्लाज्म बट इट इज़ फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू टाइप्स के सोल्यूशन से मिलकर बनता है ट्रू सोल्यूशन एंड क्लाइडल सोल्यूशन अब ट्रू सोल्यूशन क्या होता है समाल मालिक्यूल्स होते हैं और होमोजीनियस इन नेचर्स होते हैं और अगर हम डिज़ोल्व इन वाटर होते हैं अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो क्या होते हैं आइन साल्ट एंड क्या ग्लूकोज ई टी सी जबकि कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं नॉन इन वाटर होते हैं और हिट्रोजीनियस इन नेचर्स होते हैं ठीक है जबकि इनकी टू टाइप्स होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की सोल एंड जल सोल क्या होता है नॉन विस्कस होते हैं और जल क्या होते, है? part, uh, होते हैं विस्कस पार्ट विस्कस होता है जैसे कि हेयर जेल हो और प्रेजेंट इन प्रोटो पेरीफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल ठीक है इसके अलावा ये जो होता है ना इनकम्प्लीटली सोलिबल होता है वाटर के अंदर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है साइटोस्केट्टन अब साइटोस्केट्टन क्या होता है साइटोस्केल्टन की अगर हम बात करें तो ये स्केल्टन का मतलब होता है फ्रेम वर्क में से ढांचा तो साइटोस्ल्टन विद मोटर प्रोटीन मोटर प्रोटीन क्या होता है ये मूवमेंट कराती हैं तो साइटोस्केल्टन मैट ऑफ मैक्रोटिब्यूल्स फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स these दीज uh, types of ऑफ so cytoskeleton with motor protein is also known as component of cytoplasm cytoskeleton motor protein के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म की movement कराते हैं अगर हम नेक्स्ट बात करें कम्पोनेंट की तो वो क्या है साइटोप्लाजमिक इंक्लियंस होता है ये क्या होते हैं बायो बेसिकली बायो मालिक्यूल्स या मैक्रो uh, मालिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल होते हैं इनका क्या काम होता है ये सेमी सॉलिड इन्सॉलीबल पार्ट होते हैं और जैसे कि फ़ूड स्टोर हो गया ऑयल ड्रॉप्स हो गया फैट बॉडी हो गया ठीक है अगर हम ऑर्गेनलीज़ की बात करें तो साइटो प्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज पाए जाती हैं लिटिल ऑर्गन्स ऑफ अ सेल ऑर्गेनलीस क्या होते हैं लिटिल ऑर्गन्स ऑफ़ सेल होते हैं जैसे कि क्या होते, है? completely solid होते हैं और in, कम्प्लीटली है? सॉलिड होते हैं और इन्सॉलीबल इन क्या होते हैं वाटर होते हैं जैसे माइटोकांड्रिया मै, हो गया माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं एंडोप्लाज्मिक क्रियाटिक्यूलम हो गया सेंथिसिस प्रोटीन एंड लिपिड्स के लिए जबकि क्या होता है गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं सिक्रेशन एंड मोडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के लिए तो ये हमारे क्या हो गए स्ट्रक्चर हो गई एंड कंपोजिशन हो गई साइटोप्लाज्म की नेक्स्ट क्या है हमारे पास फंक्शन uh, है लेकिन आपको एक और बात बता दूँ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनलीस क्या होती हैं मेटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये क्या होते हैं फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनलीस होती हैं है और क्या करते हैं हर टाइम साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करती रहती हैं फंक्शंस की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शंस होते हैं क्या करते हैं एक्ट एज अ मेटाबोलिक पाथवे मेटाबोलिक पाथवे के तौर पर काम करते हैं यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी होता है मेटाबोबोलिक पाथवे यानी कि ग्लूकोज़ की जो होती है ना ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होते हैं उसको कहते हैं कंटेंट्स डिफरेंट लीज को कंटेन करता है एक्टिव मास भी कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं साइटो साइक्लोसिस कहते हैं uh, क्या होते हैं एक्टिव मास मूमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं स्ट्रीम स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं किस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होते हैं इनके अंदर क्या जाए एग्जाम्पल देखें तो ए टी पी जो जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा एक्ट एज फूड स्टोरेज एरिया के तौर पर भी ये काम करते हैं कौन साइटोप्लाज्म तो आज का ये हमारा टॉपिक था जो कि एंड हुआ अल्लाफ